अंकल इतने स्वीट है कि उन्होंने चाय तक ऑफर की है, और इतना ज्यादा अच्छा मौसम है, ठंड भी पड़ रही है, ऊपर से कबाब हो गए और ऊपर से थोड़ी सी चाय हो गई, माशाल्लाह बहुत बहुत बढ़िया। तो शाकाहारी स्थान के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं टर्किश डिश खाने जिसका नाम है कबाब। गाइस कंफ्यूज, सो कबाब इज अ टर्किश डिश। जब अफगान इंडिया में इन्वेड किया था तो वो बेसिकली कबाब लेके आए थे, उसके बाद मुगल्स ने आके उसको पूरा प्रमोट किया और फेमस बना दिया, और आज कबाब हमारे इंडिया की एक बहुत स्टेपल डाइट बन गई है। लाइक हर लोग कबाब खाते हैं, बहुत कबाब आते हैं जैसे काकोरी कबाब है, टुंडे कबाब, बट ये नॉन वेज आइटम है सारी। आप चाहोगे ना कि शाकाहारी और ये टुंडे कबाब, ये सब नॉन वेज आइटम थी। लुधियाना में खालसा कॉलेज के सामने एक कबाब वाला की एक छोटी सी काट है, वहाँ पे अंकल प्योर वेज कबाब बनाते हैं। दही कबाब है और दाल के कबाब है, जिसके और भी आइटम्स हैं जैसे बर्गर कबाब, बर्गर है, रोल्स वगैरह। तो ये जगह मुझे रिकमेंड की है मेरे दोस्त सुधांशु ने, ही इज़ अ बिग टाइम फूडी, और इसके टेस्ट बर्ड्स माशाल्लाह, लाइक ये बहुत बड़ा सांड है मैं तो बोलूँगा। तो लग भी रहा है। तो अभी मैं और सुधांशु आपको इनके आइटम ट्राई करेंगे, टेस्ट करवाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अभी बताएंगे अंकल कैसे बना रहे हैं, प्राइसेस क्या है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अच्छा अंकल, थोड़ा नाम जी? मेरा जसपाल सिंह। जसपाल जी फ्रॉम कानपुर। वेरी गुड। कानपुर गाइस, यूपी में तो कबाब वैसे फेमस है, तो अंकल डेफिनेटली वहीं के स्वाद होगा। तो अंकल जी तुसी केड़े केड़े कबाब बेचदे हो जी? असीं दही कबाब बेचदे हैं, कबाब बेचदे हैं, वेज कबाब है, दालां दे, राजमा वगैरह, सोया वगैरह सब मिला के। और वेरी हेल्दी गाइस, वेरी हेल्दी, सब हेल्दी आइटम ने सारे अपने। और कबाब है, दही कबाब है, कबाब रोल हैगा, कबाब पराठा हैगा जी, और कबाब बर्गर हैगा, कबाब बिरयानी हैगी है, ये सारे आइटम है। और अपना मैगी रोल है अपने को, द आइटम आर फुल ऑफ कबाब, लाइक कबाब की ही सारी आइटम मिलेगी, चाहे बिरयानी है, चाहे बर्गर है, बिरयानी है, पराठा, वेरी गुड वेरी गुड। बेसिकली आपको 80 से लेके 160 के बीच में सारी आइटम मिल जाएगी, और दे वेरी हेल्दी, वेरी हाइजीनिक। तो अभी देखते हैं इनका, करेंगे टेस्ट टेस्ट और आपको बताएंगे कि कौन सा स्वाद किसका कैसा है। सर ओके गाइस, सो हियर वी बिगिन द टेस्ट टेस्ट ऑफ द कबाब बर्गर, दाल के कबाब का बर्गर है। ये देखा कितनी तसल्ली से बनाया, बहुत मेहनत से, एकदम जैसे लोग क्या कहते हैं 5 मिनट में मतलब लगा के ठाट ठाट ठाट। सीरियसली मैं ये देख रहा था, बहुत प्यार से बनाया, कम से कम 10 मिनट में ये बर्गर बना होगा एक, और इतने ज्यादा प्यार से बनाया ना अंकल जी ने। तो देखते हैं अभी टेस्ट टेस्ट, दाल कबाब के साथ प्याज है, क्यूकम्बर है, खीरा और थाउजेंड सॉस, और साथ में बीच में मेयोनीज है। देखते हैं, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, कबाब नहीं तो ड्राई होते हैं, बहुत जूसी है ये, ड्राई बिल्कुल भी नहीं लग रहा बगैर। टर्किश आइटम कबाब, अमेरिका का बर्गर इंडिया में, अमेजिंग, इट्स वेरी गुड। कबाब का जो अंकल ने बताया कि ना, इन्होंने स्पेशल कबाब के अंदर दाल है, राजमा है, यू कैन फील द फ्लेवर, है ना? या बिल्कुल बिल्कुल, और इतने ज़्यादा सॉफ्ट है, मुंह में ऐसा घुल रहा है, कोई कह ही नहीं सकता ये कबाब है। नहीं तो बंदा कुछ कहता है कि वेजिटेरियन कबाब होंगे तो गले के लगेंगे ना, गले में फंसेगा, बिल्कुल सही है यार। हम लोग गाइस, हमने ये
इसमें खाया कबाब, बर्गर में कबाब खाया, अभी सिर्फ कबाब खा के देखेंगे और आपको पहुँचाएंगे फ्लेवर। बट सो गाइज, हमारी कबाब की प्लेट लग चुकी है, दही कबाब इधर, दही कबाब इधर, दाल के कबाब, और ये बहुत स्पेशल चीज़ अंकल ने दी है, न्यूट्री ग्रेवी साथ में दी है, हरी चटनी है और थोड़ी मिंट की चटनी भी, प्याज है, बहुत सही लग रहा है, इट्स वेरी टेम्पटिंग, सो लेट्स ट्राई। तो सुधांशु, दिस इज द गेम, रियल गेम, राइट, जिसके लिए हम आए हैं कबाब। तो न्यूट्री ग्रेवी, न्यूट्री विद ग्रेवी, ये अपना पुदीने की चटनी हो गई और ये दही वाली चटनी, दही वाली चटनी होगी ना। सो पहले क्या ट्राई करें? पहले दही कबाब, क्योंकि ये इन्होंने अभी शुरू किया है, जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने दाल के कबाब। गाइस लेट मी शो यू कितना टेम्पटिंग है अंकल, एक मिनट आना दिखाइयो, यू कैन सी द प्लेट, सो टेम्पटिंग, दही कबाब वेरी सॉफ्ट, वेरी वेरी सॉफ्ट यार, तुम पकड़ ही नहीं सकते, पकड़ ही नहीं सकते गाइस, ये पकड़ा भी नहीं जा रहा, लाइक ये टूट गया। और अंकल ने पूरी तसल्ली से डाला, सीरियसली यार बहुत अमेजिंग। अभी जो मुझे मिंट का चटनी डाली, मिंट का फ्लेवर आया, बहुत सही फ्लेवर, ऑथेंटिक, कितने मिंट, कोई इसमें आर्टिफिशियल चीज़ डाली हुई, और मसाले को भी ना बहुत आराम से रखा हुआ है, कि इस बंदे का ना कहते हैं ना मसाले खराब करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल नॉमिनल नॉमिनल से मसाले हैं। और गाइस द मेन चीज़ कबाब, कबाब यस, मुँह में डाला और गया, ख़त्म, वैनिश्ड भाई, मैं तो गाया वाला भी खाऊँगा, बहुत सही था यार ये, ट्राई करते हैं, बहुत सॉफ्ट है ये, बहुत ज़बरदस्त, न्यूट्री बहुत सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट। गलत बताए, न्यूट्री के बारे में बता दूँ आपको मैं, न्यूट्री 1960 में पहली बार बने थे, उससे पहले नहीं बने थे, 1960 में पहली बार अमेरिका कंपनी ने न्यूट्री बनाई थी, सोयाबीन की बनाई होगी, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। और गाइस न्यूट्री बहुत सॉफ्ट है, लहसुन प्याज का बहुत सही फ्लेवर आ रहा है, फिर उसके बाद भी पैलेट में वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं है, बहुत लाइट है, अंदर आराम से जा रहा है, इट्स वेरी गुड। और अब क्या ट्राई करें? अब ये रह गया, अब ये खाते हैं दाल कबाब, मेन डिश की, बहुत सॉफ्ट गाइस, जरूर कबाब वाला उस पे आगे, ये हाईली रिकमेंडेड, डेफिनेटली ट्राई करें, हाईली हाईली रिकमेंडेड प्लेस, और जो नॉनवेज खाते हैं ना उनके लिए तो पहले, अरे मतलब लिटरली भूल जाओगे नॉनवेज वाले कबाब खाने, बी शाकाहारी, लाइक हमारे इंडिया में तो वैसे ही बहुत कुछ वेज खाने को मिलता है यार, व्हाई टू ईट, व्हाई टू किल एनिमल फॉर योर फीड, यस 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 यस, सो इट्स बेटर कि आप बी शाकाहारी एंड इतना स्वाद खाना मिले। गायब कहां हो रहा है, ये गेम चेंजर है गाइस, ये दाल के कबाब, ये गेम चेंजर है, इतने सॉफ्ट है, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी अमेजिंग भाई, लिटरली गया कहाँ पे गाइस। कबाब वाला में आए खालसा कॉलेज के सामने, छोटा सा काट है, अंकल शाम को बैठते हैं, सो डेफिनेटली ट्राई करें, दाल कबाब, दही कबाब, न्यूट्री, और भी आइटम है, हमने बर्गर खाया, इट्स वेरी वेरी गुड, हाईली रिकमेंडेड प्लेस। और वीडियो को सब्सक्राइब करें, इंस्टा फेसबुक पर फॉलो करें, मैं तो देख खा रहा हूँ, तू बोलता रहा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।